16 अगस्त को दिनदहाड़े बेखौफ बदमाशों ने मथुरा में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर व्यापारी से करोड़ों की लूट की थी। 10 दिन बाद जब पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश तो सामने आया वो चेहरा जिस पर व्यापारी करता था सबसे ज्यादा विश्वास। देखिए लॉकअप में लुटेरे। करोड़ों की लूट करने वाले गिरफ्तार। सात बदमाश चढ़ गए पुलिस के हत्थे। एक करोड़ के लूट कांड का खुलासा। 10 दिन तक पुलिस को छकाने वाले, 10 दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहने वाले, 10 दिन पहले हॉकी को चुनौती देने वाले सात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर बदमाश है जिन्होंने दिन के उजाले में एक बड़े लूटकांड को अंजाम दिया था जिससे उड़ गए थे पुलिस के होश। 16 अगस्त को हुआ था लूटकांड। चांदी व्यवसायी से लूटे थे 1,05,00,000 रुपए। बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे चांदी व्यवसायी। सात बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। करीब 45,00,000 रुपए बदमाशों से बरामद। में जो 16 तारीख की घटना हुई एक बहुत ही सनसनीखेज और गंभीर घटना थी। इसमें 1,05,00,000 रुपए कैश लूटा गया एक व्यापारी से। आईजी आगरा के सुपरविजन में, एसएसपी आगरा के नेतृत्व में और मथुरा पुलिस के लगातार पिछले 10 दिन से इस घटना में दिन रात लगे रहने के बाद ये घटना वर्कआउट की गई है। इसमें अभी तक 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। उनके पास से 44,86,000 रुपये रिकवर हुए हैं। अभी 2 मुख्य अभियुक्त बाकी हैं। उनमें से एक अभियुक्त के ऊपर मेरे द्वारा 1,00,000 रुपये का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। इन बदमाशों की पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल पूछताछ में पता चला है कोमल ने की थी सर्राफ की गतिविधि की रेखी। पीड़ित सर्राफ के यहाँ कोमल करता था नौकरी। कोमल ने ही बदमाश नितेश को दी थी जानकारी। नितेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया लूटकांड। फिलहाल इस लूटकांड में शामिल 3 बदमाशों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जो इस लूटकांड का हिस्सा रहे। लेकिन पुलिस को अब तलाश है लूटकांड के मास्टरमाइंड अरविंद और उसके साथी की जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो वही पुलिस ने अरविंद पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से अनिल सारस्वत की रिपोर्ट।